अगर आपके घर में भी जो है नहाने वाला साबुन जो है लास्ट में इस तरीके से पतला सा रह जाता है जिसकी हमेशा वेस्टेज अगर होती है, तो आज के वीडियो में मैं जो है एक यूजफुल आपके साथ टिप जो है शेयर करूंगा जिसे मैं लंबे समय से कर यूज करता जा रहा हूं, जिसकी वजह से मेरी जो है साबुन की वेस्टेज ना के बराबर है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बचे हुए इस पतले से साबुन का या तो एक यूज ये हो सकता है कि हम इसे जो अपने टॉयलेट में जो है हाथ साफ करने के लिए यूज कर ले, मगर अगर काफी सारे लोग जो है आजकल जो है जो साबुन के साथ जो है अनहाइजीनिक फील करते हैं, वो हाथ के लिए टॉयलेट को नहीं लगाते हैं, वो ज्यादातर जो है हैंड वॉश यूज करते हैं, तो उस केस में जो है सेंस बनता है कि हम इस साबुन को बचे हुए साबुन को नहाने के लिए ही कंटिन्यू करें। मगर ये इतना पतला है कि ये जो है हैंड में इसकी होल्ड नहीं होती है और ये फिसलता रहता है, टूट टूट के जो है नाली में बिखरता है। तो इसके लिए करना क्या है, मैं लूंगा कोई भी एक जो है फ्रेश नया पूरा बना हुआ सोप, बीच में वाला नहीं लेना है, सूखा हुआ नया सोप लेना है, मैंने यहाँ पे ये नया सोप ले लिया है, और इस पुराने वाले साबुन को लेंगे और उसकी थिकनेस जब पतली हो और गीली हो, जैसे आपको मैं पास से दिखाऊं तो ये बिल्कुल पतला हो चुका है, और अगर ये थोड़ा सा जो है नरम भी पड़ जाता है तो उस केस में क्या करना है, आपने ऐसा वाला जो है बचा हुआ साबुन लेना है और नए वाले सूखे साबुन के ऊपर जो है उसको रख के हाथ से ऐसे करके प्रेस करके चिपका देना है। तो ये इतना ऊपर वाला नरम होता है कि अगर आप इसे थोड़ा सा ऐसे करके पेस्ट करके चिपका देंगे और उसको साइड साइड से मैं दबा दूंगा तो सिर्फ जो है 10 मिनट के अंदर जो है ये इसके साथ बिल्कुल स्टिक हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बस ऐसे करके जो है चारों तरफ से एक बार प्रेस कर दूंगा, और आपने इस गैप को नहीं छोड़ना है, इसको ऐसे करके चारों तरफ से दबा देना है और सिर्फ इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल जो है हार्ड होके इसी के साथ चिपक जाएगा और इस तरीके से जो है आपकी जो साबुन की जो वेस्टेज है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो बस मैं इसे ऐसे करके राउंड करके आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसे मैंने प्रेस कर दिया है, और अब जो है 10 मिनट जो है इसे सूखने के लिए छोड़ दूंगा। सूखने का मतलब यह है कि धूप वगैरह में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसे ऐसे ही जो है इसे इस तरीके से जो है चिपका के जो है इसमें छोड़ दें 10 मिनट के लिए, और उसके बाद ये कभी भी यहाँ से हिलेगा नहीं, और जब आप इसे नहाएंगे आप स्मूथली जो है आपका बचा हुआ पोर्शन भी जो है पूरी तरह यूटिलाइज हो जाएगा, तो वेस्टेज हो जाएगी जीरो। और नेक्स्ट टाइम उसके बाद क्या होगा, जब व्हाइट वाला भी जो है इसी तरीके से पतला पड़ जाएगा तो मैं नया एक और साबुन लूंगा और व्हाइट वाला उसके ऊपर चिपका दूंगा, और इस तरीके से जो है साबुन की जो है पूरी पूरी नहाने वाले की वेस्टेज खत्म हो जाएगी, कहीं पे भी इधर उधर नाली में नहीं बिखरेगा और खराब नहीं होगा। तो होप आपको मेरी ये टिप यूजफुल लगी होगी, ऐसे ही और टिप्स और जो है आपके साथ जो है नॉलेज शेयर करता रहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।